सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली बहुत ही जल्द आपको जोंटस की तरफ से एक न्यू मॉडल 200cc में अवेलेबल होगा। मॉडल की अगर मैं नाम की बात करूँ तो ZT200 U1 के नाम से आपको नेक्स्ट सेगमेंट की बाइक जोंटस की तरफ से बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाली है। इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि क्या इस बाइक का प्राइस रहेगा, क्या आपको स्पेक्स मिलने वाले हैं, उन सभी चीज़ों की बातें इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नाम की, तो जोंटस 200 के नाम से जो ये बाइक है वो आपको 200cc सेगमेंट में बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाली है। सो ओवरऑल जो बाइक का डिज़ाइन है वो आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा और आप इसे ऑफ रोडिंग भी एज ए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो इस बाइक की जो माउंटिंग की गई है वो एज ए ऑफ रोडिंग व्हीकल ही की गई है। सो आपको जो टायर्स हैं वो भी आपको ड्यूल पर्पज़ टायर यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रिप जो पैटर्न है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको ब्लॉक पैटर्न जो डिज़ाइन है वो आपको जो इसके टायर्स हैं उनमें देखने को मिलने वाला है। सो स्पोक व्हील्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। ड्यूल चैनल ABS के साथ जोंटस इस बाइक को ऑफर करेगी। बाकी ड्यूल फेंडर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक बॉटम साइड में ऐसा फेंडर और एक टॉप साइड में ऑफ रोडिंग टाइप का जो फ्रंट फेंडर है वो अवेलेबल होगा। हेडलैम्प सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल प्रोजेक्टर जो सेटअप है वो अवेलेबल होने वाला है। काफ़ी कॉम्पैक्ट जो डिज़ाइन है वो आपको फ्रंट के जो हेडलैम्प सेक्शन है उसमें अवेलेबल होगा। साइड इंडिकेटर्स आपको LED ही ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी इंडिकेटर्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको जो सेफ गार्ड्स हैं वो भी प्लास्टिक पार्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाकी जो ग्राफिक्स हैं वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। बाकी फ्यूल टैंक के जो एक्सटेंशन हैं वो कुछ इस टाइप के अवेलेबल होंगे और फ्यूल टैंक के जो ग्राफिक्स हैं वो भी कुछ यहाँ पे इस टाइप के देखने को मिलने वाले हैं। सो अगर बात करूँ इस बाइक के स्पेक्स की, तो यहाँ पे इंजन की स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 198cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन 4V SOS इंजन यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। पावर की अगर मैं बात करूँ तो जो ये इंजन है वो 21.5 HP की पावर और 19 Nm का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो जनरेट करेगा। 6-speed गेयरबॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है और चेन जो सिस्टम में है वो ही यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी इंजन की प्रोटेक्शन के लिए और लेग्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको जो लेग गार्ड है वो भी कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा और स्लाइडर जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे आपको लेग गार्ड में देखने को मिलने वाला है। व्हील बेस की अगर बात करूँ तो जोंटस इस बाइक में 1420mm का जो व्हील बेस है वो ऑफर कर रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको अवेलेबल होगी। 210mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। टोटल वेट जो इस बाइक का रहेगा वो 150kg के अराउंड इस बाइक का जो टोटल वेट है वो रहेगा। फ्यूल टैंक की अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो 12.5 लीटर की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो अवेलेबल होगी और ड्यूल टोन में जो ये फ्यूल टैंक है वो अवेलेबल होगा। और यहाँ पे भी जो ये पैटर्न है स्पोर्टी पैटर्न वो आपको फाइबर पैटर्न के साथ ही अवेलेबल होने वाला है। तो जो रेडिएटर का डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का रहेगा। सो ये चीज़ पूरी कवर की हुई है प्रोटेक्शन के हिसाब से। सो इंजन का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहने वाला है। अब अगर बात करें फ्रंट में टायर सेक्शन की, तो फ्रंट में आपको 110x70 का जो टायर सेक्शन है वो अवेलेबल होगा। 17 inches के जो स्पोक्स व्हील्स हैं वो यहाँ पे ऑफर कर रही है। रियर साइड में अगर मैं टायर की बात करूँ तो 130x70 का जो टायर सेक्शन है वो अवेलेबल होगा और रियर साइड में भी आपको 17 inches के जो स्पोक्स व्हील्स हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी सीट जो है वो आपको स्प्लिट पैटर्न के साथ ही अवेलेबल होगी। राइडर की सीट आपको थोड़ी लॉन्ग मिल जाती है बट पिलियन की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो ये थोड़ा ड्रॉबैक डेफिनेटली इस बाइक का रह सकता है। बाकी मेटल पैनल जो है वो आपको कुछ इस टाइप का अवेलेबल होगा। रियर पैनल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और काफ़ी ज़्यादा शार्प यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। बाकी रियर साइड में भी काफ़ी ज़्यादा वाइट टायर और ब्लॉक पैटर्न टायर यहाँ पे रियर साइड में अवेलेबल होंगे। रियर से अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में काफ़ी कॉम्पैक्ट LED लाइट यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी रियर का जो फेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा और रियर साइड में भी जो साइड इंडिकेटर है वो आपको LED अवेलेबल होंगे। एग्जॉस्ट नोट की अगर मैं बात करूँ तो एग्जॉस्ट नोट काफ़ी कॉम्पैक्ट टाइप का अवेलेबल होगा और आप कह सकते हो कि अंडर बैली एग्जॉस्ट नोट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। अंडर बैली और साइड का छोटा सा जो कॉम्पैक्ट पार्ट है वो आपको एग्जॉस्ट नोट में अवेलेबल होगा। बाकी हैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको नकल गार्ड्स भी अवेलेबल होंगे। सो इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो रहेगा। मीटर कंसोल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 4 inch का जो TFT डिस्प्ले है वो अवेलेबल होने वाला है। बाकी जो लाइट्स हैं इंडिकेशन जो है वो आपको LED ही यहाँ पे ऑफर की जा रही है। यहाँ पे आपको साइड की इंडिकेटर्स की लाइट, न्यूट्रल की लाइट, इंजन की लाइट, टेम्परेचर, फ्यूल की इंडिकेशन, ये सारी लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। बाकी आपको यहाँ पे हाई बीम, ABS और बैटरी की जो इंडिकेशन है वो भी डेफिनेटली यहाँ पे अवेलेबल होगी। बाकी हैंडल बार जो है वो आपको लो पीस हैंडल बार यहाँ पे ऑफर कर रही है जोंटस। स्विचेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम, हज़ार स्विच, साइड इंडिकेटर्स, हॉर्न, सेट मोड के साथ जो ये बाइक है वो अवेलेबल होगी। तो डेफिनेटली आप यहाँ से मोड्स जो हैं उनमें आप स्विच कर पाओगे। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सीट का जो बटन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, मतलब ऑल जो यहाँ पे फीचर्स हैं वो आपको हाईटेक अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आपको लाइट के एडजस्टमेंट का बटन, इंजन के स्विच और सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होगा। बाकी टॉप से अगर मैं बात करूँ तो टॉप से जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। साइड मिरर्स की बात करूँ तो साइड मिरर्स भी काफ़ी ज़्यादा शार्प अवेलेबल होंगे।
सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको बाइक कैसी लगी। प्राइसिंग की भी मैं आपको अगर मैं डिटेल बताऊं, बाकी प्राइस अभी रिवील नहीं हुए हैं, बट इस बाइक का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स रहेगा 2.5 लाख एक्स शोरूम के करीब। इस बाइक का जो प्राइस है वो डेफिनेटली रहने वाला है। बाकी जब ये बाइक रिवील होगी, लॉन्च होगी, तो डेफिनेटली इस बाइक का एक कम्प्लीट रिव्यू भी करेंगे। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, बाइक कैसे लगी, और बाइक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।